टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल, मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल की फाइल ऑप्शन, और ये वीडियो है डीसीए प्लेलिस्ट की। और इसमें मैं आपको सबसे पहले थ्योरी क्लास में कुछ बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल क्लास में वो सारे ऑप्शन हम लोग रन करके मैं आपको करके भी बताऊंगा डेमो। और अच्छे से अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एक्सेल में फाइल क्या है, एक्सेल को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो शुरू से अंत तक काफ़ी यूजफुल है। सबसे पहले थ्योरी क्लास में मैं आपको जो नए ऑप्शंस हैं, जो नए फीचर्स हैं एक्सेल में फाइल मेनू के अंदर, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी जान लें कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, इस पूरी वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन, और उस फाइल में जो ऑप्शन है वो न्यू ऑप्शन में क्या क्या है आप देखेंगे, मैं अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा आपको। साथ में एक टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल मेनू में, वो सैम्पल टेम्पलेट क्या है, उसको बनाने से क्या फ़ायदा है हम लोगों को, और कैसे उन टेम्पलेट को हम लोग यूज़ करें कैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसको फिर हम लोग जितने भी ऑप्शन डिस्कस करेंगे थ्योरी में, उन सारे को मैं आपको प्रैक्टिकल में करके भी बता दूंगा एक्सेल में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये फाइल मेनू है, और इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला सेव ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्कबुक को, क्योंकि एक्सेल में हम लोग वर्कबुक बनाते हैं, जो भी फाइल बनाते हैं वो वर्कबुक होता है ना, तो एक्सेल के वर्कबुक को सेव करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर कोई पहले से सेव है उसको किसी और नेम से सेव करना है, किसी दूसरे नाम से सेव करना है, तो सेव एज पे क्लिक करिएगा। और कोई भी सेव्ड फाइल है पहले से किसी नाम से सेव है, उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लोज पर क्लिक कीजिएगा तो जो करेंट वर्कबुक होगा वो क्लोज हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है इन्फो का, यहाँ पे परमिशन और शेयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सेट कर सकते हैं, किसी को पढ़ने का कितना परमिशन आप देना चाहते हो, यानी आप उस वर्कबुक पे परमिशन से रिलेटेड, परमिशन का मतलब हुआ कि आप किस तरह से उसको सेव करके रखना चाहते हो, कितना आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने उस फाइल को, और शेयरिंग की भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। साथ में रिसेंट का एक ऑप्शन है, जो कि आपको रिसेंटली यूज्ड वर्कबुक जितने भी होते हैं, यानी जितने भी फाइल अभी आपने यूज़ किए होंगे, भले ही अभी करंट वर्कबुक आपका कुछ और खुला हो, लेकिन अभी रिसेंटली जितने भी वर्कबुक यूज़ किए होंगे आपने, वो सारा लिस्ट वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये न्यू ऑप्शन इस फाइल मेनू का सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट आपको मिलता है जिस पर आप काम कर सकते हो। टेम्पलेट क्या होता है, एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन होता है जो पहले से तैयार होता है। एक्सेल में बहुत सारे रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, तो वो सारा रिपोर्ट का जो टेम्पलेट है वो पहले से एक्सेल में बना हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ से यूज़ करेंगे और एडिट करेंगे और अपने लिए उसको तैयार करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रिंट, जैसा कि नाम है, यहाँ पर आपको प्रिंट प्रिव्यू यानी क्या प्रिंट होगा, कैसा दिखेगा, वो ऑप्शन आपको मिलेगा। साथ में प्रिंटिंग ऑप्शन भी मिलेगा, कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करने हैं, कितने, किस मोड में आपको प्रिंट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में दिखाऊंगा। और ये है सेव और सेंड से रिलेटेड, अगर मान लो आपको वर्कबुक को मेल करना है तो यहाँ पर आप ऑप्शन रहता है, आप यहाँ से मेल कर सकते हैं। साथ में आप चाहते हैं उस वर्कबुक को या जो भी कुछ एक्सेल फाइल में लिखा हुआ है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको एमएस ऑफिस का सपोर्ट और हेल्प, कोई भी ज़रूरत हो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप कुछ सेटिंग से रिलेटेड, अगर कुछ एक्सेल के करेंट वर्कबुक, मतलब आप जिस फाइल पे अभी काम कर रहे हो, जिस वर्कबुक पे आप एक्सेल में काम कर रहे हो, उस वर्कबुक में अगर आप कोई सेटिंग या कुछ सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जो सबसे लास्ट ऑप्शन एग्जिट का, जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आप एक्सेल से बाहर आ जाओगे, कम आउट फ्रॉम एक्सेल, यानी एक्सेल से बाहर आने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल क्लास में। उससे पहले मैं आपको एक ये देखिए न्यू ऑप्शन जो बताया मैंने आपको, फाइल में न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, जो टेम्पलेट का ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक तो ब्लैंक वर्कबुक है, इसका यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है। उसके अलावा आप सैम्पल टेम्पलेट्स में जाएंगे, रिसेंट टेम्पलेट्स हैं, सैम्पल टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे पहले से भी दिया हुआ है, एजेंट्स, बजट्स, कैलेंडर से रिलेटेड एक्सपेंस रिपोर्ट्स, फैक्सेस, फॉर्म्स, इन्वेंट्रीज, इन्वॉइसेस,
मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं और ये सारे ऑनलाइन हैं, और यहाँ पे कुछ सैम्पल टेम्पलेट डाला हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बाद बाकी बहुत सारे टेम्पलेट्स आप office.com से ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाह रहा था थ्योरी में आपको बता देना। चलिए अब इन सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकल में, यानी फाइल के जितने भी ऑप्शन हैं उनको प्रैक्टिकल क्लास में चल के एम एस एक्सेल को ओपन करके उसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और एक लाइव डेमो देखते हैं फाइल ऑप्शंस के ऊपर एक्सेल के अंदर। इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चले, अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब हों और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे कि सारी वीडियो जो भी एक्सेल की आने वाली वीडियो है वो सारी वीडियो अपने आप आपको मिल जाए, जिससे कि आप एक्सेल अच्छे से सीख सकें। साथ में अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें। और अभी रुकें, अभी हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल क्लास में और एक्सेल में फाइल ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो, आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल ऑप्शन। तो आई थिंक आपने थ्योरी क्लास में उन सारे ऑप्शंस के बारे में देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल उसके ऊपर कुछ करके बता देता हूँ। तो फाइल पे क्लिक कीजिए, ये सारे ऑप्शंस हैं जो फाइल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले न्यू ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने का ऑप्शन है, साथ में बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं उस पर आप क्लिक करके देखिए। जैसे अभी सैम्पल टैबलेट्स पे मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह के कुछ टैम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी टैम्पलेट आप सेलेक्ट करके उस पर क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एक्सेल फाइल में वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगा और उसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपने कंपनी का नाम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा काम आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी जो एक्सपेंस रिपोर्ट से रिलेटेड चाहिए वो सारे फील्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप इंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे आप इंट्री कर सकते, साथ में इसका भी नाम बदल सकते हैं आप। तो बहुत सारा काम है जो आप टेम्पलेट पर कर सकते हैं। टेम्पलेट का यही बेनिफिट है, जो रेडीमेड डिज़ाइन है पहले से डिज़ाइन बना हुआ है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उसको चेंज करके अपना काम करवा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं और यहाँ पे नीचे जो टेम्पलेट्स दिया हुआ है ये टेम्पलेट्स आपको office.com टेम्पलेट्स हैं। इसके लिए आपको नेट चाहिए होगा, आप नेट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ सैम्पल टेम्पलेट जो मैंने अभी बताया है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो जैसे मैंने अभी किया है, ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चीज़ करने के बाद जब आप अपने एक्सेल वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं किसी नाम से तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख लें कि आप किस ड्राइव में उसको आप सेव कर रहे हैं। तो पहले ड्राइव सेलेक्ट करें और फिर उस ड्राइव में फोल्डर सेलेक्ट करें। यहाँ पे देख लें कि किस जगह आपका फाइल सेव हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसे ओपन कर सकें। जैसे यहाँ पे एक्सेल एक्सपेंस रिपोर्ट है, मैं इसको ईपी रिपोर्ट कर देता हूँ नाम, और इसको फिर हम लोग एक्सेल वर्कबुक एज ए टाइप, किस टाइप का फाइल हमारा बना, तो एक्सेल वर्कबुक का फाइल बना। इसमें भी ऑप्शन है, आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जैसे 1972-2003 एड ऑन या टेम्पलेट इस तरह से, या वर्कबुक, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो ये फाइल है वो एक्सेल 97 से लेके 2003 तक कोई भी फॉर्मेट में वो उसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कंपेटिबिलिटी के लिए पूछा जाता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये फाइल आपका सेव हो गया है, अगर आप चाहें तो इसको किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पहले वाला नाम आ गया है, आप इसमें अगर चाहें तो कुछ नया नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे न्यू दे रहा हूँ, न्यू ईपी रिपोर्ट। सेम ड्राइव सेम फोल्डर में सेव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो दूसरे ड्राइव दूसरे फोल्डर में भी सेव कर सकते हो। दोबारा से सेव पे क्लिक करो। यहाँ पे कंपेटिबिलिटी के लिए पूछा जा रहा है, आप पढ़ भी लो, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कंपेटिबिलिटी चेकर है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू कर दोगे तो वो आगे बढ़ेगा। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक्सेल 97 से 2003 वाला ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, इसीलिए पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब वो फाइल जो खुली हुई है उसको आप क्लोज कर सकते हो। जितनी भी फाइलें खुली हुई थी वो सब क्लोज हो गई है और एक नया वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर सपोज़ अगर आपने कोई फाइल सेव किया हुआ है तो आप उसे ओपन करके देख सकते हैं, जैसा कि वर्ड में भी करते हैं और लगभग हर सॉफ्टवेयर में करते हैं।
तो कुछ फाइलें यहाँ पे सेव हम लोगों ने की थी, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके या नाम देके ओपन पे क्लिक करके खोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने फाइल वर्कबुक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कंपेटिबिलिटी मोड का ऑप्शन आया है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं न्यू फीचर्स में, आप उसको परमिशन यानी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप फाइनल करना चाहते हैं यानी उसमें कोई एडिट ना कर सके, उसको पासवर्ड से पासवर्ड सपोर्ट देना चाहते हैं, पासवर्ड का प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक एक ऑप्शन बताना संभव नहीं है इस वीडियो में, हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं, तो आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना। तो इन्फो जो ऑप्शन है उसमें आप सबसे पहले कंपेटिबिलिटी मोड को चेंज कर सकते हैं, परमिशन सेट कर सकते हैं, शेयरिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं, और वर्जन यानी कोई रिकवर कर सकते हैं, कोई अनसेव्ड वर्कबुक अगर आपको मिले तो वो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी किया, ठीक है। चलिए यहाँ से फाइल मेनू में जाके आप रिसेंट ऑप्शन में आप देखेंगे पहले से जो खुला हुआ फाइल होगा वो दिखेगा, साथ में जिस पे आपने रिसेंटली कुछ समय पहले कुछ दिनों से आपने काम किया है वो सारे फाइल के लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आप उसमें से किसी भी एक पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाइल को आप ओपन कर सकते हो। उसके अलावा न्यू मैंने बताया आपको ये टेम्पलेट और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, प्रिंट ऑप्शन में आपका जो भी वर्कबुक है उसका उस पर जो आपने काम किया है वो उसका आपको रिव्यू दिखाई देगा यहाँ पे, साथ में यहाँ पे प्रिंटिंग से रिलेटेड जो सेटिंग है आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज जो देना चाहते हैं वो लिख दीजिए, साथ में किस तरह से आप कितने नंबर ऑफ पेज, कहाँ से कहाँ तक का पेज, किस किस टाइप का सेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। आप कोई भी सेटिंग करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा, जो कुछ भी आपने वर्क किया है वर्कबुक में वो आपको पेज पे प्रिंट होके निकल जाएगा, ठीक है। साथ में सेव का ऑप्शन है, सपोज अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते, आप चाहते हो डायरेक्ट मेल करना किसी को तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करो, आप चाहते हो इसको वेब पे भेजना, किसी ब्लॉग में डालना, तो यहाँ वहाँ पर भी आप सेव कर सकते हो, साथ में शेयर पॉइंट को में भी आप सेव कर सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप एक्सेल को किसी दूसरे फॉर्मेट में किसी दूसरे फाइल टाइप में सेव करना चाहते हो या उसको पीडीएफ बनाना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज़ करोगे वो पीडीएफ बन जाएगा, आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। हेल्प में आपको मिलता है ऑफिस का सपोर्ट, यहाँ पे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हेल्प है, गेटिंग स्टार्टेड से रिलेटेड कॉन्टेक्ट अस और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द हेल्प एंड सपोर्ट। ये ऑप्शन है सेटिंग से रिलेटेड है, वर्कबुक में एक्सेल ऑप्शन यानी एक्सेल वर्कबुक में जो भी सेटिंग आप जैसे जनरल सेटिंग हो गया, फार्मूला सेटिंग हो गया, प्रूफिंग है, तो ये सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप एक ही दिन में नहीं सीखना है आपको, मैं आपको ओवरव्यू कर रहा हूँ, ये पूरे एक्सेल में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम लोग करेंगे। जैसे मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको एक ही दिन में सारे सेटिंग नहीं कर देने हैं, आज ओवरव्यू हम लोग कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन हम लोगों ने किया भी है और कुछ ऑप्शन ऐसा है जो आपको फ्यूचर में करना है। लास्ट में एक्सेल से बाहर आने के लिए आपको एग्जिट पे क्लिक करना है, जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे ये फाइल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर सेव के लिए मांग रहा है सेव कर दीजिए, नहीं मांग रहा है तो आप डोंट सेव पे करके बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं, और एक्सेल के फाइल ऑप्शन को मैंने आज आपको ओवरव्यू किया है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताए भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आज नहीं बताया क्योंकि वो आज उसकी यूज़ नहीं है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम लोग यूज़ करेंगे उसको। तो इसको आप करके देखो फाइल ऑप्शन को, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगर आपका काम हो जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट करना। बने रहो हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू, बाय बाय।